इस वृद्ध माता की आंखों का एक एक आंसू बहुत भारी पड़ रहा है इस परिवार पे। ये देखिए माल जाल दू को पोसते थे, भूसा घास नहीं भूसा पुरता था तो घास लगे तो डूब गया। अच्छा, घास लाने के क्रम में वो डूब गए। हाँ। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूँ पंकज भट्ट। इस समय मैं बिशनपुर जो क्षेत्र है बलिया अनुमंडल के अंतर्गत आता है ताजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में 6 में मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पिछले दिनों जिस परिवार में एक विभत्स घटना हुई। गंगा की तेज बहाव में एक परिवार के मुखिया मेन गार्जियन जो हैं जो इस परिवार के भरण पोषण करता थे डूब करके दर्दनाक उनकी मौत हो गई है। और यहाँ पे हम उनके परिजन लोग हैं, घर परिवार वाले सभी लोग हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। उस बच्चों की उम्र को देख करके आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि युवक था या वृद्ध था। ये बच्चे हैं, क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? श्याम भवी। किस क्लास में पढ़ती हो? चौर से बोली। पापा का क्या नाम? सर क्या कुमोद मिस। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अच्छा, पापा डूब गए। अच्छा, तुम क्या नाम है? राकेश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? एट में। और तुम्हारा क्या नाम है? किशन। किशन, आप देखिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका भरण पोषण अब कैसे होगा? सरकार इस तरफ में गंभीरता पूर्वक कदम नहीं बढ़ा रही है। आज 8 दिन हो गए लगभग, डेड बॉडी जो सरकार नहीं निकाल सकती है उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रामीण भी हैं, हम जानेंगे उनसे भी कि क्या स्थिति है और किस तरीके की प्रक्रिया सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप सर यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ पे आपका ये समाज और समाज में इतनी विभत्स घटना होती है, एनडीआरएफ की टीम आती है लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी हाथ खड़े करके चली जाती है। एक डेड बॉडी निकाल करके देना भी सरकार के बस का नहीं रहा आपके दिशा निर्देश में। ये तो इसको असफलता कहा जाए लेकिन हमारे अंचलाधिकारी 3 दिन तक कैंप किए, प्रयास तो किए लेकिन गंगा का तेज धार भी है उसमें सब प्रयास करने के बाद डेड बॉडी नहीं मिल सका। और उसके बाद उनके तरफ से और मेरे तरफ से ये भरोसा दिलाया जाता है कि पीड़ित परिवार को जो उचित मुआवजा होगा वो सरकार की तरफ से दिलवाया जाएगा। भरोसा से बिल्कुल काम नहीं चलने की स्थिति में यह परिवार आर्थिक रूप से जूझता हुआ, आप इनका घर देखिए कि किस तरीके के मकान में ये रहने को विवश हैं। आज तक इस परिवार में एक राशन कार्ड की भी व्यवस्था नहीं की गई है। कितनी तंग हाली की स्थिति है ये बच्चों के की दुर्दशा आप देखिए कि किस तरीके के बच्चों के शरीर पे कपड़े हैं, स्वेटर हैं और कोई देखने वाला नहीं। सीओ साहब आए और चले गए, कहानी कुछ भी नहीं हुआ है अभी यहाँ पे। और आप ताजपुर पंचायत के मुखिया हैं, आप बताइए कि जो व्यक्ति डूब के मरे हैं उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है? दयनीय है उसका, परिवार के लिए बहुत दयनीय है। तो उनको पारिवारिक लाभ योजना मिलना चाहिए। आपने अनुशंसा किया? हमने अनुशंसा किया। क्या है अभी का स्थिति? अभी का उसका लाहक मिल भी नहीं किया है, सरकार उसको खोज रहा है मुंगेर से लेके यहाँ ताजपुर तक। डेड बॉडी मिलने के बाद ही मिलेगा? ऐसे तो सीओ आश्वासन दिया है कि हम प्रयास करते हैं आपदा विभाग से उसको मिलेगा जरूर, आश्वासन दिया। आश्वासन मिला, ऐसा नियम है क्या कि डेड बॉडी मिलेगा तभी आपको पारिवारिक लाभ मिलेगी? नहीं, तो अलग बात है, प्रयास कर रहा है तो आपदा विभाग से मिलेगा। ऐसे डेड बॉडी में 4 लाख जो मुआवजा मिलता है, डेड बॉडी मिलने के बाद ही मुआवजा 4 लाख मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। तो इसकी ऐसे आपदा विभाग विशेष करके इसके लिए कुछ जिम्मेदारी किसके ऊपर है? डेड बॉडी कौन खोजेगा? डेड खोजी तो खोज रहा है, प्रशासन खोज रहा है, मिलेगा तभी ना।
नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि इनको पारिवारिक लाभ मिल जाएगा? नहीं, पारिवारिक लाभ मिलेगा, प्रशासन जैसे ध्यान दिया कि जरूर मिलेगा, वो भी प्रयास में लगे हुए आपदा विभाग से, कि हम आपदा विभाग में जा करके प्रयास करते हैं इसको पारिवारिक लाभ मिलना चाहिए। व्यक्ति पारिवारिक लाभ लेने योग्य है? सही। आप यहाँ के वार्ड कमिश्नर जी, क्या प्रक्रिया हो पाई है अभी तक इस पीड़ित परिवार के लिए सरकार से कुछ मुआवजा के लिए? यहाँ तो आए थे पहले मुखिया जी, पंचायत ग्राम ताजपुर के थे मुखिया जी। मुखिया जी आए और वो अपना अनुशंसा में उनको 3,000 रुपया दिए राहत के लिए, कुछ के लिए। अच्छा। और अंचलाधिकारी महोदय आए तो वो बोले डायरेक्ट कि हाँ देखिए हम ध्यान दिए हुए हैं, जब तक बॉडी नहीं मिल जाता है कुछ कहना मुश्किल है। मतलब डेड बॉडी नहीं मिलेगा तो मुआवजा नहीं मिलेगा? नहीं मिल सका, ऐसा बात हुआ है, कहीं और जगह ऐसा घटना हुआ था तो बोले नहीं। डेड बॉडी खोजेगा कौन? ये डेड बॉडी खोजेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? अंचलाधिकारी महोदय का जिम्मेदारी है। आपने बताया उनको कि सर ये आपकी जिम्मेदारी है? जी, मैंने तो उनको बोला तो बोले प्रक्रिया शुरू करो, तो मैंने एक आवेदन थाना में दे दिए, उसके बाद एक अंचलाधिकारी को लिख कर दिए, उसी में हम सब कुछ सटा कर दे दिए उनको, ठीक है आगे डीएम के पास सोमवार को जाएगा। आपको क्या लगता है कि मुआवजा मिलने की स्थिति में है? मुआवजा मिलने की स्थिति में है, वो आश्वासन दिए हैं, वो तो पदाधिकारी हैं, वो तो बोले कि हाँ हम देंगे, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं बोले हैं कि नहीं देंगे, बोले हैं। ये बोले हैं कि हाँ मिलेगा। मिलेगा कब तक? कब तक? वो पहले कि बोले कर्मचारी से रिपोर्ट कराने के लिए, तो मैंने फाइल को आज कर्मचारी के पास भेजा हूँ, उस सोमवार को बोले हैं कर्मचारी की देंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वार्ड कमिश्नर हैं उनका कहना है कि फाइलों का काम सब पूरा कर लिया गया है, और जो कर्मचारी की बात है उस कर्मचारी के साइन होने या उसके द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो मुआवजा में परिणत होगा या नहीं होगा, ये भविष्य में छिपा हुआ है। इस पर अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन किसी भी गवर्नमेंट के डिवीजन से किसी भी पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन। क्या आश्वासन से इस गरीब और तंगहाल परिवार की स्थिति मजबूत की जा सकती है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि डेड बॉडी अगर नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? तीसरा सवाल ये है कि जो परिवार में चार चार छोटे बच्चे हैं और उस परिवार का मुखिया मार्गी का देहांत हो गया है और असामयिक निधन कहा जाता है वो हो गया है, डूब करके उनकी मौत हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में क्या डेड बॉडी का मिलना नहीं मिलना परिवार की जिम्मेदारी होती है? अगर परिवार की जिम्मेदारी होती है तो इसकी भी लिखित कोई नोट नहीं दिया गया है, और अगर अंचलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है तो मुआवजा अभी तक क्यों नहीं मिला, और ये इस जिम्मेदारी से भाग करके कब तक खड़े रहेंगे हमारे अंचलाधिकारी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पंकज भट्ट, बेगूसराय से बलिया बिशनपुर के लिए।